जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को लेकर सामने आ रही है। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को लेकर इस वक्त की ऐसी अपडेट, ऐसी जानकारी सामने आई है, ऐसे कंटेस्टेंट का नाम सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। जी हाँ, आप कहेंगे कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये कंटेस्टेंट इस पर आएंगे। तो जी हाँ, कुछ ऐसे कंटेस्टेंट के नाम जो है इस बार बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में सुनने को मिले हैं, देखने को मिलने वाले हैं आपको, जिनकी एंट्री भी हो चुकी है, कंफर्मेशन आ चुकी है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। वो कंटेस्टेंट टीआरपी का बढ़ावा देने के लिए, जो है टीआरपी को उछालने के लिए, बिग बॉस के मेकर्स जो है कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इसी वजह से इस बार जो है होस्ट भी उन्होंने चेंज किया है, साथ ही कंटेस्टेंट भी ऐसे ऐसे जो है ले रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, और फीस भी जो है तगड़ी तगड़ी ले रहे हैं। आखिर कौन कौन से ऐसे कंटेस्टेंट जिनके बारे में पहले कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब जो है वो लेटेस्ट एयरपोर्ट पर दिखे हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर, और उनकी कंफर्मेशन हो चुकी है बिग बॉस में एंट्री को लेकर। तो चलिए, सबसे पहला नाम जो है आपको बता दे, जो जोरों शोरों से चल रहा था थोड़े दिन से सोशल मीडिया पर, वो था वायरल वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका। जी हाँ, चंद्रिका जो है अपने हस्बैंड के साथ जो है आपको बता दे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के लिए निकल पड़ी हैं, और आपको बता दे कि उन्होंने जोरों शोरों से तैयारी कर ली है। 21 जून को आपको जो है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के प्लेटफॉर्म पे अनिल कपूर के साथ जो है स्टेज शेयर करती हुई दिखाई देंगी और काफी धमाल मचाने वाली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरा जो नाम है अमीषा पटेल, सेलिब्रिटी भी इस बार जो है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में आ रहे हैं। वायरल लोग तो आ ही रहे हैं, जैसे कि डॉली चाय वाला वायरल हुआ था वो भी आ रहा है, उसकी भी कन्फर्म हो चुकी है। साथ ही आपको बता दे तीसरा नाम जो है सागर ठाकुर का है, ये भी यूट्यूबर हैं, और यूट्यूबर इस वक्त जो है इस बार जो है आपको बता दे भर भर कर भर्ती किए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉली चाय वाला जो कि वड़ा पाव गर्ल के साथ जो है फेमस हुआ था, अभी वायरल हुआ था, वो भी जो है दिखाई देंगे आपको। और तो और आपको ये भी बता दे, अमीषा पटेल के साथ साथ जो है टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी का भी नाम जो है सामने आया है, उनका भी कोई कंफर्मेशन अभी तक जो है तय नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दे साई केतन राय, जो कि इमली में अगस्त्य का किरदार निभाने वाले केतन राय जो है बिग बॉस ओटीटी 3 का हिस्सा बनने वाले हैं। इसके अलावा जो नाम सामने आए हैं वो भी अपने आप में शॉकिंग नाम है। इस वक्त मिक्का सिंह का नाम भी सामने आया है, जो कि राखी सावंत के साथ तगड़ी वाली कंट्रोवर्सी रही थी किसिंग सीन को लेकर, उनकी कंट्रोवर्सी काफी रहती भी है, जैसे केकेआर के साथ जो है कुत्ता कुत्ता सुअर सुअर वाला गाना जो वायरल हुआ था दोनों का, उस वो उनकी कंट्रोवर्सी कंटिन्यू चलती रहती है। तो आपको बता दे मिक्का सिंह जो है आपको दिखाई देने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मेन मेन जो है वो है वड़ा पाव गर्ल, डॉली चाय वाला और मिक्का सिंह, अमीषा पटेल, शिवांगी जोशी। इसके अलावा जो नाम सामने आए हैं वो भी अपने आप में शॉकिंग नाम है। इन सबकी कंफर्मेशन हो चुकी है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के लिए। इसके अलावा आपको बता दे जो अनिल कपूर हैं वो सबसे कम फीस ले रहे हैं, और ये भी अपने आप में शॉकिंग है, क्योंकि अनिल कपूर कितने बड़े एक्टर हैं ये आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। और ऐसे में अनिल कपूर सिर्फ 2 करोड़ रुपए फीस लेकर जो है होस्ट कर रहे हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का, तो अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग है। और आपको सारी अपडेट, सारी जानकारी जो है मिलती रहेंगी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से जुड़ी हुई लाइव अपडेट। तो जल्दी से चैनल पर नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉलीवुड की दीवानी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट होगी ना टाइम टाइम आप तक पहुंचती रहेगी फटाफट से। तो अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। साथ ही आपको एक दो नाम और जो कन्फर्म हुई है वो हम आपको बता दे, मैक्स टर्न का नाम सामने आया है, जो कि अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन अभी जो है गुप्त रखा गया है, हो सकता है आपको सरप्राइज के तौर पे दिखाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्णा अभिषेक तो आपको दिखाई देंगे ही एंटरटेन करते हुए बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में। साथ ही आपको बता दें विक्की जैन भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे बताया जा रहा है कि आ सकते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग है। शिजान खान का नाम भी सामने आया है, शिजान खान अभी जेल होकर आए थे और काफी ज्यादा जो है मर्डर केस में उनका नाम आया था, तो वो भी आपको दिखाई देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दे इसके अलावा जो है तुषार सिलावट, जो कि
अपने लिप सिंगिंग वीडियोस के लिए युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं और इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये भी आपको दिखाई देने वाले हैं। इस बार जो है ना, इस बार का बिग बॉस जो है काफी ज्यादा मसालेदार होने वाला है, क्योंकि इस बार जो है ना सिर्फ सेलिब्रिटी टीवी एक्ट्रेस बल्कि आपको बता दे इस बार जो है बॉलीवुड एक्ट्रेसों से लेकर यूट्यूबर्स काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तो काफी ज्यादा आम पब्लिक जो है आपको दिखाई देंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि आप सबको याद होगा बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 जो था उसमें अभिषेक कुमार जो आए थे, अभिषेक मल्हान जो आए थे, उन्होंने काफी ज्यादा चार चांद लगा दिए थे। उसके बाद एलविश यादव आए, उन्होंने भी चार चांद लगाए। बिग बॉस ओटीटी का जो टीआरपी में उछाला है वो अपने आप में काफी ज्यादा गजब देखने वाला था ना, तो इसीलिए उन्होंने यूट्यूबर्स को ज्यादा भर्ती करने की सोची है और काफी ज्यादा ड्रामे देखने को मिलेंगे आपको, नई नई चीजें देखने को मिलेंगे। इस बार रूल रेगुलेशन जो है चेंज होने वाले हैं, गेम वही रहेगा और अनिल कपूर भी काफी ज्यादा जो झक्कास अंदाज में आपको दिखाई देने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अंदर होस्ट करते हुए, तो काफी कुछ नया और एंटरटेनिंग आपको देखने वाला है। तो लॉकअप शो से भी ज्यादा टीआरपी जो है मिलने वाली है इस बार बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को, और आप कितने एक्साइटेड हैं जरूर अपने एक्साइटमेंट कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन के जरिए। और चैनल पर नए और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बिग बॉस से जुड़ी हुई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट के लिए भी बॉलीवुड की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।